नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जैसे ही 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बात करते हैं हम आजमगढ़ जिले की, जहां पर मुबारकपुर थाने के थाना अध्यक्ष योगेंद्र बहादुर, क्षेत्राधिकारी सौम्या सिंह के द्वारा आईटीबीपी के जवान व भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया और सबको अवगत कराया गया कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को दोपहर में पुलिस प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मुबारकपुर व आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर लोगों को निर्देशित किया कि वह कोविड गाइडलाइन पर पूर्ण रूप से पालन करते हुए मास्क का प्रयोग हर हाल में करें, भीड़ भाड़ से बचें और विधानसभा चुनाव में बिना किसी लालच, दबाव व प्रलोभन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह फ्लैग मार्च करीब 2 बजे सठियाओं चौराहे से शुरू होकर मुबारकपुर रोडवेज से लेकर पूरे कस्बे के मुख्य चौराहों से होते हुए अलीनगर चौराहा, अमिलो बाग और इब्राहिमपुर होते हुए देवकली तारण पहुंचकर समाप्त हुआ। यह फ्लैग मार्च सीओ सदर सौम्या सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुबारकपुर थाना अध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह, एसआई महेंद्र कुमार शुक्ला, कांस्टेबल अजय कुमार, अजय चौधरी, दुर्गेश कुमार मिश्रा, अवधेश कुमार कुशवाहा, दिग्विजय पाल, सत्यम सिंह, हेड कांस्टेबल विक्रमजीत सहित स्टाफ के सभी लोग शामिल थे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। मैम, आज जो है चुनाव को देखते हुए जो है आचार संहिता लागू होने के बाद धारा 144 लागू हुई है, इसके लिए आपने रूट मार्च किया है, तो जैसे कि आपको विदित है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और आजमगढ़ का चुनाव प्रति सबसे लास्ट फेज में है। इसके दृष्टिगत जनता में अवेयरनेस बनाए रखने के लिए मुबारकपुर थाना पुलिस और आईटीबीपी की कंपनी के साथ आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया और जनता को जागरूक किया गया कि वो निष्पक्ष एवं भय रहित चुनाव करें और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे कोई भी डर होता है, कोई भी उनको धमकाता है, तो पुलिस को सूचित करें। और जैसा कि विदित है कि आगामी ये कोरोना संक्रमण इतना बढ़ रहा है, उसके समक्ष भी अवेयर किया गया कि सभी मास्क लगा कर रहें, सभी ग्राहक, सभी व्यापारी मास्क लगा कर भी लोगों को सामान दें। और साथ ही साथ हमने ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया, ड्रोन कैमरे के द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो पुलिस द्वारा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि भयमुक्त चुनाव कराया जा सके। थैंक यू।